बेटी अदीरा को उनके बचपन में ही उनकी छोटी उम्र में ही खुद से दूर कर काम में बहुत जल्दी निकलने के लिए तैयार नहीं थी रानी। जब रानी मुखर्जी ने बताया कि अदीरा से दूर होने के लिए अदीरा को खुद से दूर कर अपने काम में व्यस्त होने के लिए, जब आदित्य चोपड़ा ने रानी को समझाया तो वो उस वक्त तैयार नहीं थी। कैसे अदीरा से खुद को अलग कर रही थी रानी, कैसे आदित्य ने उनकी मदद की ये रानी ने बताया। रानी ने कहा कि कैसे उनके हस्बैंड ने उन्हें एहसास दिलाया मदरहुड के रोल से बाहर निकलकर अपने काम में व्यस्त होने के लिए। उनके हस्बैंड ने कहा कि उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने काम के लिए सेट पर जाए, अदीरा को अपनी ज़िंदगी संभालने दे, उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी होगा। रानी बेटी को संभालने में अपना समय तो गुजारे लेकिन समय का कदर भी करें। तो रानी मुखर्जी को उनके हस्बैंड आदित्य कहते थे कि आप अपनी लाइफ ज़रूर देखें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ख़ास तौर पर इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी दें। फैंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं पर्दे पर आपको देखने के लिए। आप ऐसे समय पर काम से हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकती है, ये रानी ने हस्बैंड को लेकर कहा था। अदीरा से दूर जाना जब वो बड़ी हो रही थी, चलना सीख रही थी, रानी के लिए आसान नहीं था। वो इस तरह के सैक्रिफाइसेस देकर काफ़ी तकलीफ में रही थी और काफ़ी रिग्रेट भी महसूस कर रही थी कि उन्होंने कई स्पेशल मोमेंट्स अपनी बेटी के मिस किए हैं।